कम देखा जा रहा है। अच्छा अच्छा सर, चेक कर लीजिए, 1 दिसंबर है ना सर। बताओ भाई, किसी एंगल से रास्ता लग रहा है ये, नेक्स्ट लेवल। थोड़ा सा और पानी, और अब फर्स्ट बाइट उसे इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों, और आज आप मेरे को बहुत दिनों बाद देख पा रहे हो कि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ या ब्लॉग बना रहा हूँ। फिलहाल आपको लोकेशन बता दूँ तो अपनी, मैं गांव पर आया हूँ अभी सुबह सुबह, बाकी अभी बज रहे हैं लगभग 7:30 के आसपास हो ही रहे होंगे। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ छोटी सी जर्नी में और छोटा सा एक ब्लॉग में, जिसके जो ब्लॉग होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद मैं एक पुराने साथियों से मिल रहा हूँ, जो कि आप पहले वीडियो में भी आप देख पाए होंगे। तो अभी यहाँ से चलते हैं, बिकॉज यहाँ से निकलना है अभी लगभग हमको 40 से 50 किलोमीटर की दूर तक हमको राइड करना है, तो चलते हैं। आपको बता दूँ तो मैं बहुत दिनों बाद मैं आज बाइक भी जो है ना राइड कर रहा हूँ, और चलते हैं एक मस्त वादियों के साथ। कोई एक्शन कैमरा है, इसको बहुत दिनों बाद मैं निकाला भी हूँ। मेरे को लगता है कि लास्ट टाइम मैं आ गया था तभी इसका इस्तेमाल किया था प्रॉपर तरीके से, एक छोटा सा राइड हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी गर्मी थी। बट इस टाइम पे गर्मी वगैरह तो कुछ है नहीं, ये आपको उमस वगैरह देखने को मिलेगा अभी जो मिल रहा है मेरे को। तो चलते हैं अभी सीधा, क्योंकि बहुत लंबा राइड करना है भाई, काफ़ी एडवेंचरस आज का डे होने वाला है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बताओ भाई, ऐसा भी कोई रोड होता है यार, मतलब लिटरली यार इस पर कोई क्रॉस करेगा तो उड़ ही जाएगा। भाई आई एम जस्ट क्रॉसिंग बक्सर बॉर्डर, अभी बक्सर बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ, ये रहा। अब आगे मैं भभुआ कैमूर में, ये रहा था बॉर्डर। तो गाइस देख रहे हो यार, ये ग्रीनरी बरसात के टाइम में चलने में ये फायदा होता है, थोड़ा सा बहुत ह्यूमिडिटी तो होता है, लेकिन ये सब आपको समय के अलावा कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस पहुंच चुके हैं अभी हम परसथुआ, सुबह सुबह देख रहे हो यार, अभी मार्केट भी खुला नहीं है। अरे यार ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, सामने फ्लाईओवर बना हुआ है। तो ये मैं बता दूं तो यार, ये जो है मोहनिया आरएक्स जो हाईवे है, जस्ट उसी का ये फ्लाईओवर है, लेकिन भाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ यार, सिर्फ बन के तैयार हुआ अभी। पेट्रोल पेट्रोल रिफिल करा लेता हूँ यार, क्योंकि आगे मिले या ना मिले मैं ऐसा लोकेशन पे ही जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हम लोग कुदरा, और ये रहा कुदरा का फ्लाईओवर, और इधर साइड में छोटा सा मार्केट, एंड देन फ्लाईओवर के उस पार भी एक मार्केट है, और नीचे से ये आपका गया वाली लाइन गुजरती है। तो गाइस ये रही इसका प्लेटफॉर्म, जो कि यहाँ मोटा मोटी अच्छी सारी अच्छी खासी यहाँ पर भी गाड़ियाँ रुकती हैं, एक्सप्रेस वगैरह भी। इधर चल जाएगा अपना मुगल सराय साइड में, ये गया, और ये रहा GT रोड, देख रहे हो भाई, अच्छी तरह देख लो भाई, ये कोलकाता से आ रही है, ये दिल्ली को जाएगी। गुप्ता धाम प्रवेश द्वार दोस्तों, देख रहे हो यार, उस रोड पर हूँ अभी, यहाँ से गुप्ता धाम ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर दूर है यार, नज़दीक नहीं यहाँ से। तो वैसे भी पहुँच चुके हम तेलारी, जो कि अच्छा खासा ये मार्केट है, और यहीं पे हमारा मीटिंग पॉइंट भी है, सारे दोस्त लोग यहीं पर मिलेंगे। तो दोस्तों अभी मीटिंग पॉइंट से निकल चुके हैं, बेसिकली मीटिंग पॉइंट जो था अपने दोस्त के यहाँ ही था, तो आगे चलते हैं और मिलाते भी हैं सबसे। अच्छा अच्छा सर, चेक कर लीजिए, बना हुआ है सर, चेक कर लीजिए। है ना सर, और सर पॉल्यूशन जिसका नहीं है उसका चलाना होना नहीं है, चलान है मतलब आदेश आएगा तब काटते हम लोग, काटेंगे पैसा नहीं, खाली काट के छोड़ देंगे अपना, भरते रहेंगे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलान वगैरह नहीं ना है। तो गाइस यहाँ पर हो रहा है पॉल्यूशन चेक, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग जो चार्ज है 100 रुपीज़ वहीं लग रहा है,
और ये रही गाड़ी बिहार सरकार की पीयूसी की, चिनारी चेक पोस्ट। तो गाइस यहाँ से अभी हम लोग लेने वाले हैं पानी का बोतल। अब नहीं भोगेगा तुम। तो फाइनली गाइस उस लोकेशन पर आ चुके हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और देखो भाई वो रहा वाटरफॉल, और ये आसमान जो है ना अभी ख़राब हो रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार हो जाएगा। दोस्तों हमने पहुंच चुके अपने लोकेशन पर जहां पर हम लोग का स्पॉट था, और इसके बगल में रहा वाटरफॉल जो आपको मैं जस्ट थोड़ी देर पहले दिखाया था। यहां पर अभी हम लोग थोड़ा बॉल वगैरह खेल रहे थे इधर साइड में, और यहां पर प्रोग्राम भी अपना चालू हो गया है लिट्टी और पनीर का। बना रहिएगा, हम लोग कैसे बनाते हैं और आपको भी दिखाएंगे, एंजॉय कीजिएगा। प्रदीप जी क्या प्लान है इसका? अभी तो इसको धोएंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद इसको क्या बन रहा है? ये पनीर चिली, चिली पनीर लिट्टी का प्लान है। लिट्टी पनीर चिली, इसको अच्छे से धो लेते हैं ताकि इस पे का डस्ट सारा हट जाए। हाँ हाँ, आपका लिए है, मूली का करिएगा सलाद के लिए। प्रदीप जी क्या प्लान हो रहा है? प्लान तो भी मैगी का है सर, खाना नहीं है। अभी हम लोग का पूरी तरह से ये रेडी हो चुका है, अब थोड़ी देर में आग में जाएगा। स्टार्टर बन रहा है गाइस, स्टार्टर में हम लोग का वो मैगी है, और मेकिंग मैन जो है वो प्रदीप है। और कर दे थोड़ा सा और पानी। पानी? हाँ चिपक जाएगा, हो गया है। मैगी भी रेडी हो चुका है अपना जो स्टार्टर था, और यहाँ पर इसमें डाले सर सब कुछ भरा हुआ है। यहाँ टोटल कंप्लीट हो गया लिट्टी का भी, और यहाँ पर अपना बनने वाला है थोड़ी देर में, आग भी रेडी हो चुका है, और पनीर का भी अपना कार्यक्रम चालू होगा जितना ही जल्दी पनीर वगैरह को कट करना है। सही है पनीर? पनीर लग रहा सही है, ओरिजिनल है। हम लोग का टोटल कंप्लीट हो गया, हम लोग आज का पार्टी का पूरा प्रोसेस, और ये रहा अपना लिट्टी, लगभग 25-30 लिट्टी है। ये ओरिजिनल पनीर यहाँ से लोकल मार्केट से हम लोग लिए, सारा रेडी हो चुका है, स्टार्टर अपना भी रेडी है। अब थोड़ी देर में इसको स्वाद लेंगे, और बारिश का थोड़ा मौसम लग रहा है लेकिन उम्मीद है कि होगा नहीं। और वहाँ पे आग भी रेडी हो चुका है, स्टार्टर भाई अपना रेडी हो गया, और ये रहा देसी चम्मच, यूं उठाना है इसको, यूं खा लेना है। लिट्टी भी रेडी, हम लोग का पनीर हो गया रेडी यहाँ पे, और सिर्फ इसको डालना रह गया है, और चिल्ली पनीर और लिट्टी आज का पार्टी रहा। चिल्ली पनीर लिट्टी, चिल्ली पनीर लिट्टी सलाद, और का मर्चा, ग्रेवी दें, नमक मर्चा, नमक मर्चा, ग्रेवी दें आपको भी अपना बाद में ले लीजिएगा इसमें से। हाँ भाई टेस्ट है लिट्टिया पे गुर्जर, अभी खाया नहीं तो टेस्ट कैसे पता चला? अभी देख के रुकिए हम। अच्छा यहाँ पर रख देना लिट्टी रहा। हाँ ये रहा कंदा, कांदा, कांदा के बाद प्याज, इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर। हाँ और अब फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट। एक बार दोस्तों यहाँ आके जंगल में बना के खाइए, यहाँ का आनंद ही कुछ और है। प्रकृति के गोद में शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद लेते हुए हमारे दोस्त मित्रगण। अपना पार्टी खत्म हो गया, सारा कुछ जितना आया था लगभग अब छोटे से झोरे में हो जाएगा, और अब सीधा हम लोग निकलने वाले हैं इधर साइड में, फिर में नहाएंगे धोएंगे
और जो मैं बता दूं यार, तो काफ़ी मस्त झरना है वहाँ, वाटरफॉल है जो कि थोड़ी देर में पहुँचेंगे वहाँ पर। और थोड़ा मुसग्गत करना पड़ेगा जाने के लिए, क्योंकि ऐसी झाड़ियाँ हमको देखने को मिलने वाला है। और हम लोग थोड़ा सफाई वगैरह भी कर दिए हैं, और जितना ये सब भी कूड़ा करकट दिख रहा है इसको भी हम लोग हटा देंगे। तो गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क हो रखी है, और यहाँ देख रहे हो ना ये झरना रहा, झरने का पानी है। अभी हम लोग को चढ़ाई करना है। अरे भाई काफी एडवेंचर हो रहा है अभी, ये सुकून भरा दोस्तों एडवेंचर है। और पीछे गाना बज रहा है, पूरा डीजे सेट लेके चले हुए हम लोग। सतीश जी हम लोग को मतलब रास्ता दिखा रहे हैं। कैसा है सतीश जी, ग्रुप लीडर हम लोग का सतीश जी यहाँ पे। अभी ये कदम का पेड़ है शायद, अभी वहां पर हम लोग को चढ़ाई करके जाना है यहाँ से। रास्ता तो पता ही नहीं चल पा रहा है थोड़ा भी। हाँ रामसर बांध दहिया मैं चुनचुना शुरू हो जाए, चढ़ाई शुरू हो गया। कुतवा आ रहेगा जी, बहुत वफादार है, दो चार मिनट लगभग पहुंच ही चुके हैं, 50% पहुंच चुके हैं। ज़्यादा हाइट पर हम लोग को नहीं जाना है, गाड़ी अगर यहाँ तक आती तो भाई यहाँ कहना जा रहा। अच्छा पिछले बार यहीं पे आए थे अपन लोग। हाँ ऊपर गए थोड़ा, यहाँ पे हम लोग चढ़ाई कर चुके हैं। और भाई बहुत देर हो गया हम लोग को लिट्टी बनाने में, क्योंकि यार लिट्टी था ना यार आग जो था उसे ख़त्म हो चुका था, और थोड़ा सा लेट हो गया। और पीछे हमारे डॉगी है, आजा इसको दो चार लिट्टी खिलाया ना भाई, मेरे पीछे पीछे आने लगा ये। और कितने सुंदर आवाज़ें हमको सुनाई दे रही है, शायद आवाज़ इसमें ना आता हो। और थोड़ा हाँफ रहा हूँ यार क्योंकि चढ़ाई हो रही है ना कंटिन्यू। अब यहाँ से अभी सर्च करना है कि रास्ता ऊपर जाता कैसे है, मिला रास्ता। ये दोस्तों झरने का पानी है, तो गाइस देख रहे हो यार भयंकर भयंकर भयंकर। भाई साहब लेकिन जो मजा आ रहा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। रास्ता गलत है तो गाइस रास्ता हम लोग भटक चुके थे थोड़ा सा, ये रास्ता नहीं जाता है ऊपर जाने के लिए, हम लोग को इधर सा रास्ता जाना पड़ेगा, इधर से कहीं रास्ता है। लास्ट टाइम एक बार हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, बस देखना है कि वो रास्ता मिल जाए, बस शायद इधर से रास्ता। ये रहा रास्ता जो कि पता नहीं चल रहा था। आ जा भाई, बताओ भाई किसी एंगल से रास्ता लग रहा है ये। देखो भाई भयंकर देख रहे भाई भयंकर रास्ता चढ़ाई। आ जा भयंकर। डॉगी भी आ रहा है भाई, उसको चार लिट्टी खिलाए हैं, पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है ये। कांटा भी है यार यहाँ पे। जरा से भी पता नहीं चल रहा यार। तो गाइस देख रहे हो यार कितना हाइट है ये, जरा से भी स्किड किया यार मुंह टूट जाएगा। ओ माय गॉड भीवरा। अरे वाह क्या खतरनाक है भाई। ओ भाई साहब। तो गाइस हम लोग टॉप ऑफ द हिल चढ़ चुके हैं यहाँ पर, और देखिए ये रहा वाटरफॉल, देख रहे हो यार ये। और अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ से दिख रही है। हाँ तो गाइस हम इतनी दूर से गाइस हम इतनी दूर से इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए इतना चढ़ाई किए हैं अभी। हाँ
और दोस्तों हम लोग का यहाँ होती है पार्टी ओवर। तो दोस्तों अभी हम लोग का पार्टी भी ओवर चुकी है और वाटरफॉल का भी बहुत ज़बरदस्त मज़ा लिए हैं यार, और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है उतरते उतरते। वहीं आपको बता दूं यार, तो सिर्फ क्वालिटी के चक्कर में इतना लेट हुआ, नहीं तो लेट भी नहीं होता। और थोड़ी दूर रह चुकी है, लगभग 50-100 मीटर होगा, देख रहे हो ना इतना भयंकर जंगल, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ये रही है गाड़ी। गाइस इस वीडियो को करते हैं पर एंड, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।